हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है लॉरेंस बिश्नोई की दर्दनाक स्टोरी, लव स्टोरी। अभी तक हमने ये सुना कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मारा, उन्होंने इनको मारा जो सिंगर थे सिद्धू मूसेवाले को मारा, इन्होंने सलमान को धमकी दी, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। लेकिन अब हम उनकी लव स्टोरी भी जानेंगे कि इनकी क्या ही लव स्टोरी थी। क्या ये भी किसी को प्यार करते थे? ओ यार, है ना, मतलब देखो स्मार्ट तो ये है नो डाउट, लेकिन इस गैंगस्टर ये बने हैं जब से, मतलब इनके फेस को देख के लगता ही नहीं कि इन खचेड़ों में पड़े होंगे। लेकिन अगर इनकी लव स्टोरी थी तो बहुत ही ऑब्वियसली दर्दनाक थी, वो इस वीडियो में पता लगेगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ लॉरेंस की लव स्टोरी जाने के लिए। तो जल्दी जल्दी हम ये वीडियो देखते हैं, इंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। कहते हैं प्यार इंसान को बदल सकता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में प्यार ने ऐसा आवाज को अवॉइड करें प्लीज, बदले की आग में दुनिया को हिला दिया। क्या आप जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को उसके दुश्मनों ने कॉलेज इलेक्शन के बाद जिंदा जला दिया था। लॉरेंस बिश्नोई का वो एक कदम जिसने उसे स्टूडेंट से सबसे बड़े गैंगस्टर में बदल दिया। सलमान खान से क्यों पर्सनल दुश्मनी है लॉरेंस बिश्नोई की, इस कहानी में है हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हम सब ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है, वो नाम जिसने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर पूरे देश में खौफ फैला रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस खतरनाक गैंगस्टर की शुरुआत एक साधारण स्कूल के लड़के की तरह हुई थी। एक ऐसा लड़का जो प्यार में था, कॉलेज की राजनीति कर रहा था, लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आइए आज आपको लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी की अनकही दास्तान सुनाते हैं, जिसमें है प्यार, बदला और खून खराबे की सच्ची कहानी। बात शुरू होती है अबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल से, जहां लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई जा रही है। दोस्तों, बचपन से ही उसके पास सब कुछ था, उसका परिवार संपन्न था, करोड़ों की जमीनें थी और उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, यानी एकदम आरामदायक जिंदगी थी। लेकिन स्कूल में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस की नजर एक लड़की पर पड़ी और ये पहली नजर का प्यार था। स्कूल के दिनों से शुरू हुआ ये प्यार डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ तक पहुंचा, जहां दोनों ने एक साथ दाखिला लिया। लेकिन यहां से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। लॉरेंस का दिल पढ़ाई में कम, लेकिन कॉलेज की राजनीति में ज्यादा लगने लगा। उसने सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम की एक स्टूडेंट यूनियन बनाई। उसकी चाहत थी कि वो कॉलेज का प्रेसिडेंट बने, कॉलेज की राजनीति में बड़ा नाम कमाए। पर कहते हैं ना, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 2011 में हुए स्टूडेंट यूनियन चुनावों में लॉरेंस बिश्नोई की सोपू हार गई। इस हार ने लॉरेंस को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा गुस्सैल बना दिया। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ चुनाव हारने का नहीं था, उसके दुश्मनों ने उसकी गर्लफ्रेंड को इस कदर निशाना बनाया कि लॉरेंस का पूरा जीवन बदल गया। कहा जाता है कि कॉलेज इलेक्शन में हार के बाद लॉरेंस के प्रतिद्वंद्वी गुट ने उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। जी हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड को बुरी तरह जला दिया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि लॉरेंस के दिल पर क्या बीती होगी। गर्लफ्रेंड की मौत ने लॉरेंस के दिल में बदले की आग जला दी। जिंदा जली मोहब्बत और जिंदा रहा सिर्फ बदला। ये वही पल था जब लॉरेंस ने गैंगस्टर बनने का रास्ता चुना। पहले कॉलेज में हथियार उठाए, फिर कई छात्र नेताओं पर हमले किए, उसके ऊपर कई गंभीर केस दर्ज हुए और यही वो समय था जब लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में अपने कदम रख दिए। धीरे धीरे उसकी पहचान एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में होने लगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि लॉरेंस की दुश्मनी सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित रही तो आप गलत हैं। इस कहानी में एक और बड़ा नाम है, सलमान खान। 1998 में जब राजस्थान में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था, तब लॉरेंस महज 5 साल का था। लेकिन उसका समुदाय बिश्नोई काले हिरण को पूजता है और यही वजह है कि सलमान खान के खिलाफ लॉरेंस का गुस्सा बरसों बाद भी खत्म नहीं हुआ। ये गुस्सा आज भी जिंदा है। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, जो सलमान खान के करीबी माने जाते थे। मुंबई पुलिस के अनुसार इस हत्या के पीछे लॉरेंस का हाथ था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस के गैंग से जुड़े लोगों ने साफ कहा था कि जो सलमान खान और दाऊद के गैंग की हेल्प करेगा
अपना अपना हिसाब लगा के अच्छा। यानी लॉरेंस की दुश्मनी सिर्फ कॉलेज तक ही नहीं रही, ये अब बॉलीवुड और अपराध की दुनिया तक जा पहुंची है। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी, एक ऐसा लड़का जिसने प्यार किया, उसे खोया और फिर बदले की राह पर चल पड़ा। कहते हैं कि प्यार की आग में जलने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है, और लॉरेंस की जिंदगी इस बात की मिसाल है। आज वो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका खौफ जेल से भी बाहर गूंजता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई एक साधारण इंसान से इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। एक्चुअली मैंने ये सुनी थी, लेकिन मैं प्रॉपर मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थी कि भाई ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हूँ ये बताने के लिए कि वो एक लड़की को सच्ची में प्यार करते थे, और उसके जो अगेंस्ट पार्टी थी जब ये सोपू में हार गए थे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, तो इनके जो अगेंस्ट पार्टी थी उन्होंने उसको जिंदा जला दिया था, और तब से इसने फिर बदला लेना शुरू करा और इसके ऊपर एक छोटा सा केस लगा था, और तब से ये अंदर ही है और अभी तक बाहर नहीं आया। फिर अंदर रह के एक पे केस, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर वही है ना कि कोई भी कुछ करता तो लॉरेंस का नाम, और फिर वो लॉरेंस के ऊपर केस लगते गए। बाकी लॉरेंस एक छोटे मोटे केस में गया था, कोई बहुत बड़े केस में नहीं गया था अंदर, और उस टाइम पे कोई ये भी नहीं था कि बहुत बड़ा गुंडा है। ये अंदर रह रहे कि लोगों ने इनके मतलब टीम जुटते गए, टीम मेंबर, और केस पे केस करते गए और इनका नाम लेते गए, तो वो एक हवा बन गया, एक नाम बन गया, और अब तो इतना नाम बन गया कि दुनिया कांपती है लॉरेंस के नाम से। और बाबा सिद्दीकी का वही है कि ये सलमान खान के साथ था, और इन्होंने कहा हुआ है कि जो सलमान खान और दाऊद के साथ होगा उसका मैं क्लियर कर दूंगा हिसाब किताब, तो उन्होंने इसलिए बाबा सिद्दीकी को रास्ते से हटा दिया। क्योंकि काला हिरन जब केस हुआ था काला हिरन का, तब लॉरेंस 5 साल के थे, और 5 साल से अब देख लो वो कितने साल के हो गए, अभी तक वो आग बुझी नहीं है, उनमें आग वो पनपती ही जा रही है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना ही बड़ा कितनी बड़ी चीज़ है काला हिरन बिश्नोई समाज के लिए। और मेरा तो ये मानना है कि सलमान खान को माफ़ी मांग के बात ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि बिश्नोई समाज है, उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, और बंदा इमोशंस में आके ही बड़े कदम उठाता है। इमोशंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर कोई किसी के साथ इमोशंस के साथ खेल जाता है तो वो पता ही नहीं क्या से क्या कर जाता है। तो इमोशंस का खेल है भाई, माफ़ी मांग के अपना बात ख़त्म करनी चाहिए थी और दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो के ऊपर, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।